हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ HDFC बैंक के बेनिफिशियरी के बारे में। अगर आप SBI बैंक का बेनिफिशियरी के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे बैंकों का बेनिफिशियरी के बारे में बताते जा रहा हूँ। SBI के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी और भी बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक होगी ठीक है वीडियो की। अब मैं बात करता हूँ आपको HDFC बैंक के बेनिफिशियरी के बारे में, सारी समस्याओं के बारे में, कैसे क्या करना है, कितना ऐड कर सकते हैं, कितने लोगों के पास पैसे भेज सकते हैं, इंस्टेंट है या फिर टाइमिंग वाला है। स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो अपने ऐप से करो या वेबसाइट से करो, मतलब अपने मोबाइल बैंकिंग से करो HDFC के, या फिर वेबसाइट से करो ठीक है, मतलब नेट बैंकिंग से। सिंपल सी बात करूं तो दोनों एक ही चीजें हैं, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, अपने ऐप से कर सकते हो। सिंपल सा अपने ऐप में जाते हो तो वहां पे मैं आपको घुमा फिरा के बता देता हूँ, यहाँ पे भी आपको 30 मिनट वेट करने ही होंगे। सिंपल से घुमा के मैंने आपको बता दिया, जो घुमा फिरा के, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना होगा। 30 मिनट से पहले आपका अप्रूवल नहीं होगा कि बेनिफिशियरी का, कुछ भी कर लो, कोई रास्ता नहीं है इसका। अब चलिए मैं बता देता हूँ क्या कैसे करना होगा और कितना बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल सी इसमें मैं अगर बात करूं तो आप दिन में 7 बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हो HDFC बैंक में, ठीक है। HDFC बैंक में 7 बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हो 24 घंटे के कूलिंग पीरियड में। मतलब ये होता है, ये नहीं कि 12 बज गए तो आपका 7 बेनिफिशियरी अप्रूव खत्म हो गया। इसमें जैसे UPI होता ना 24 घंटे का लिमिट, सेम वैसे ऐसा वाला कूलिंग पीरियड है, ठीक है। इसमें 7 बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हो, और जैसे ही आपका 30 मिनट में बेनिफिशियरी अप्रूव्ड हो जाता है उसको IMPS निफ्ट जो भी करना चाहो कर सकते हो। और ये भी सुन लो, आपको 24 घंटे के अंदर तक एक बेनिफिशियरी के पास 25,000 रुपए तक भेज सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं भेज सकते, 25,000 तक ही एक बेनिफिशियरी के पास पैसे भेज सकते हो, और 24 घंटे निकल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। सिंपल सा यही होता है HDFC बैंक के बारे में, और 7 बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो दिन में, और क्या कुछ नहीं है, बस यही है। और 30 मिनट से पहले पैसे नहीं भेज सकते, ये HDFC बैंक का रूल है। तो आशा करता हूँ पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया तो लाइक शेयर कर देना, और आपके पास भी कोई ऐसा बैंक है जिसके बारे में बेनिफिशियरी के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो भाई लोग, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक शेयर कर देना। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं।